हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे ओ एफ एम डी एस सिरप की। फ्रेंड्स, ओ एफ एम डी एस सिरप किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसका डोजेस क्या है, इसका प्राइस क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो देख रही है ओ एफ एम डी एस सिरप, इस सिरप को जेबी केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाता है और इसका एम आर पी है फ्रेंड्स लगभग 59 रुपीज़। फ्रेंड्स, इस सिरप को किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन में आप बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका अंदर ऑफ्लॉक्सासिन 100 mg दिया गया है और मेट्रोनिडाजॉल 200 mg दिया गया है। फ्रेंड्स, इस सिरप को बच्चों में यूज होता है। फ्रेंड्स, बच्चों का पेट खराब रहता है, बच्चों का डायरिया रहता है, उसमें इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आपका बच्चा का लूज मोशन बार बार हो रहा है, बार बार दस्त हो रहा है, उसमें इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आपका बच्चा का दांतों में इन्फेक्शन हो गया है या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आपका बच्चा का जो पेट का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा 2 से 3 दिन में। फ्रेंड्स, इस सिरप को 5 ml करके दिन में 2 से 3 टाइम दे सकती है और खाने के बाद देनी होती है। फ्रेंड्स, इस सिरप पर कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि सरसक्कर आ सकता है और वॉमिटिंग हो सकता है, स्किन में रैशेस आ सकता है और पेट में दर्द हो सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ दिखाई दिया तो इस सिरप को तुरंत बंद करना होगा। और फ्रेंड्स, इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेके ही इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, इस सिरप को बच्चे से दूर रखें। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी ओ एफ एम डी एस सिरप के बारे में। आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, टेक केयर।